कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि महाराष्ट्र से जैसे ही उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी की सरकार जाती है और जैसे ही एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाते हैं, वहां पर गली गली पर भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो सभाएं निकालते हैं, रैली निकालते हैं, जहां पर सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ बयान दिए जाते हैं। आखिर क्या वजह है कि बिहार के मजदूरों के बारे में झूठ फैलाया जाता है कि तमिलनाडु में उनका कत्लेआम किया जा रहा है, और यह झूठ कोई और नहीं खुद भारतीय जनता पार्टी फैला रही होती है। आखिर क्या वजह है कि रामनवमी के वक्त बंगाल और बिहार में सांप्रदायिक हिंसा होती है? ये तमाम सवालात हैं जिनके जवाब दिए जाने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, वो अमृतपाल सिंह जो कुछ महीनों तक बाल कटा सिख था यानी मौना सरदार था, वो अचानक सामने आकर दूसरा भिंडरन वाले बनना चाहता है? वो अमृतपाल सिंह जो वारिस पंजाब दे का प्रमुख है, और यही वारिस पंजाब दे का पहला प्रमुख था दीप सिद्धू, वो दीप सिद्धू जिसकी तस्वीर आप प्रधानमंत्री के साथ देखते हैं, सनी देओल के साथ देखते हैं, अमित शाह के साथ देखते हैं, ये तमाम सवालात हैं। वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज़ चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता। आज विपक्ष हमला बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी पर। वो ये कह रहा है कि इस वक्त रामनवमी के दौरान जो सांप्रदायिक हिंसा देश में देखी जा रही है उसकी जिम्मेदार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। मगर क्या विपक्ष इन आरोपों से बच सकता है? सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने क्या कहा है, एक बड़ा बयान जो आपके स्क्रीन पर आने वाला है। तेजस्वी यादव कहते हैं, बिहार में सद्भाव बिगाड़ने की संघी कोशिश कर बिहार सरकार की पैनी नजर है। संघी कोशिश, इस शब्द पर गौर कीजिए दोस्तों, यानी कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव इसके पीछे आरएसएस का हाथ देखते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं, जिन राज्यों में बीजेपी कमजोर है वहां बौखलाई हुई है, एक एक उपद्रवी को चिन्हित कर कठोरतम कार्रवाई की जा रही है, भाईचारे को तोड़ने के किसी भी भाजपाई प्रयोग का हमने हमेशा माकूल जवाब दिया है और देते रहेंगे, जय हिंद। तेजस्वी यादव कह रहे हैं। और सिर्फ तेजस्वी यादव ये बात नहीं कह रहे हैं दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, ममता बनर्जी ने, क्योंकि इस वक्त बंगाल के भी कई हिस्सों में सांप्रदायिक टकराव हो रहे हैं, ममता बनर्जी का क्या कहना है आपकी स्क्रीन पर। बोलता हिंदुस्तान के मुताबिक, हावड़ा में हिंसा के पीछे ना हिंदू थे ना मुसलमान, बजरंग दल जैसे सहयोगी संगठनों के साथ बीजेपी हिंसा में शामिल थी। गंभीर आरोप। और याद कीजिए, कुछ सवाल मैंने कार्यक्रम के शुरुआत के दौरान उठाए थे, उन सवालों से हम बच नहीं सकते क्योंकि वो तथ्य हैं। आगे जाके मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्या तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं। मगर मैं चाहूंगा कि मैं देश के गृहमंत्री अमित शाह के इस बयान की तरफ आपका ध्यान खींचूं। वो रविवार को नवादा में थे और नवादा में उन्होंने कहा कि मैंने राज्यपाल को फोन लगाया और मेरे राज्यपाल को फोन लगाने से जनता दल यूनाइटेड का एक नेता नाराज हो गया। सबसे पहले मैं चाहूंगा अमित शाह ने कहा क्या, वो आप सुनिए। मैंने सुबह गवर्नर साहब को फोन किया तो लल्लन सिंह जी बुरा मान गए कि आप क्यों बिहार की चिंता करते हो। अरे भाई, मैं देश का गृह मंत्री हूं, बिहार की कानून और व्यवस्था भी ये देश का एक हिस्सा है, आप नहीं संभाल सकते, इसलिए हम चिंता कर रहे हैं। मेरा देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह से एक सवाल है। अमित जी, एक बात बताइए, बिहार में तो एक चुनी हुई सरकार है ना, वहां राज्यपाल का शासन तो है नहीं, वहां पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो आप देश के संघीय ढांचे पर वार क्यों कर रहे हैं सीधे राज्यपाल से बात करके, और फिर आप ताना देते हैं ललन सिंह के ऊपर। बहरहाल ललन सिंह ने भी इसका माकूल जवाब दिया है आपकी स्क्रीन पर, ललन सिंह का बयान जो आ रहा है। ललन सिंह कहते हैं, देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी,
नवादा में आपके भाषण से स्पष्ट है कि बड़का झुट्टा पार्टी यानी बीजेपी हताश हो गई है और बौखलाहट में है। आप महामहिम राज्यपाल से रोज दिन में 10 बार बात कीजिए, हम लोगों को क्यों तकलीफ होगी। बंगाल, केरल और महाराष्ट्र में लोग गवाह हैं, सब देख चुके हैं कि राज्यपाल जैसी संस्था का राजनीतिक उपयोग आप लोग किस तरह से करते हैं। आप चाहें तो 2024 लोकसभा चुनाव तक अपना आवास राजभवन में ही रख लीजिए, परिणाम आपको 2015 वाला ही मिलेगा। 2024 में भाजपा मुक्त भारत होगा, बिहार से बड़का झुट्टा पार्टी को शून्य ही मिलेगा। जवाब दे रहे हैं ललन सिंह। दोस्तों, कल अमित शाह ने अपनी नवादा रैली में कुछ और बातें कही और इस बात को लेकर विवाद पैदा हो गया है। अमित शाह ने कहा कि आप हमें 40 की 40 सीटें दे दें, हम दंगाइयों को उल्टा लटका देंगे। अब इसमें दो दिक्कतें हैं दोस्तों। पहली दिक्कत, 40 की 40 सीटें दे दें लोकसभा चुनाव में, तब जाकर हम दंगों को उल्टा लटकाएंगे। देखिए, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूं कि क्या देश के गृहमंत्री को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए कि हम दंगाइयों को उल्टा लटका देंगे। वो बोलते रहे, ठीक है, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूं, मगर उनके बयान पर गौर कीजिए। आप हमें 40 की 40 सीटें देंगे, तब जाकर हम दंगाइयों से आपको मुक्ति दिलाएंगे। सबसे पहली बात, अमित जी, आप देश के गृहमंत्री हैं, पहली गलत बात आप यह करते हैं कि आप नीतीश कुमार से बात नहीं करते हैं, राज्यपाल से बात करते हैं, जिससे यह पता चलता है कि देश के संघीय ढांचे के लिए आपके मन में कितनी बड़ी इज्जत है। दूसरी बात, आप हालात पर तभी काबू पाएंगे जब आपको 40 की 40 सीटें मिलेंगी। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप जो कहते हैं ना कि मैं दंगाइयों को उल्टा लटका दूंगा, तो हाथ कंगन को आरसी क्या? मैं आपका परिचय कुछ चेहरों से करवाना चाहता हूं। टी राजा सिंह आप ही का विधायक है, महाराष्ट्र में गली गली घूम के ये माननीय विधायक भड़काऊ बयान दे रहे हैं, बार बार दे रहे हैं, और महाराष्ट्र में तो आपकी सरकार है ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सिर्फ इसलिए कि इस वक्त कुछ संस्थाएं कह रही हैं कि अगर आज लोकसभा चुनाव होता है तो भाजपा को नुकसान होता है, क्या सिर्फ इसलिए आप टी राजा सिंह पर कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं? बताइए। कर्नाटक के अंदर ये सांसद प्रज्ञा बयान देती हैं कि अपने चाकू हैं उनमें धार लगाइए, मुसलमानों के बारे में भड़काऊ बयान देती हैं बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे टी राजा सिंह दे रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये तो आपके सांसद हैं, इन पर क्या कार्रवाई की आपने? बताइए क्या वजह है इसकी। सबसे बड़ी बात, बिहार के मजदूरों के बारे में एक झूठ फैलाया गया था कि तमिलनाडु में उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है। आपने अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं पर क्या कार्रवाई की जबकि आप कहते हैं कि दंगाइयों को हम उल्टा लटका देंगे? कुछ और चेहरों से मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं। माननीय अनुराग ठाकुर, वैसे अनुराग ठाकुर ने क्या कहा वो भी बताऊंगा, कहते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो वाला नारा लगाते हैं। इन्हें तो आपने सीधा सूचना और प्रसारण मंत्री बना दिया था। कपिल मिश्रा पुलिस के साथ खड़े होके कहता है कि आज तो ट्रंप है हम भी जा रहे हैं, कल को पुलिस भी हमें नहीं रोक पाएगी और उसके बाद दिल्ली में दंगे शुरू हो जाते हैं। क्या कार्रवाई की आपने इस पर, बताइए। और मैं नहीं भूला हूं, जब दिल्ली के चुनाव हो रहे थे तब आपका खुद का बयान था अमित जी कि बाबरपुर में बटन दबाओ करंट लगेगा शाहीन बाग को। शाहीन बाग में आपके और हमारे जैसे लोग रहते हैं। शाहीन बाग की महिलाओं ने एक आंदोलन किया था, आप उससे इस कदर नाराज हो गए अमित जी कि आप उन्हें करंट लगवाना चाहते हैं? इस तरह के बयान दिए जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप भूल गए किस तरह के बयानात आपने हिमाचल प्रदेश के चुनावों के दौरान दिए थे? आपने वहां राम मंदिर का मुद्दा उठाया और वहां बाबर की बात कर रहे थे, और उन्हीं चुनावों के दौरान गुजरात में खड़े होकर प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? प्रधानमंत्री ने कहा था कि कांग्रेस आतंकवाद का साथ इसलिए देती है क्योंकि उसे समुदाय विशेष के वोट्स चाहिए, यानी कि आपने सभी मुसलमानों को आतंकवाद से जोड़ दिया। ये बयान तो आप दे रहे हैं अमित जी और प्रधानमंत्री दे रहे हैं। आप भूल गए यूपी के चुनावों में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने क्या कहा था, यह चुनाव 80% बनाम 20% है। अमित जी, सबसे ज्यादा भड़काऊ बयान भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता देते हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं होता है।
ये हकीकत है। और आप ये कह रहे हैं कि दंगाइयों को हम उल्टा लटका देंगे। मुझे बताइए ना, जो मिसाल मैंने आपके सामने दी है, आप ही के पार्टी के नेता हैं, उन पर आपने क्या कार्रवाई की? अरे आज तो जहां पन्ना पलटते हैं ना कोई सांप्रदायिक टकराव की घटना मिल जाती है। मसलन ये देखिए, गुरुग्राम के अंदर कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। क्यों टकराव हो रहा है हरियाणा में, बताइए? राजस्थान में साल के अंत में चुनाव है, वहां क्यों टकराव किया जाता है, बार बार कराया जा रहा है, क्या वजह है उसकी? तो क्या इन तमाम चीजों से देश के गृहमंत्री अमित शाह या सबसे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी बच सकती है? अभी दो दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली को संबोधित किया, वहां पर भी उन्होंने तुष्टिकरण शब्द का जिक्र किया। तुष्टिकरण बनाम संतुष्टिकरण, यानी किसी ना किसी तरह से एक हल्की सी सांप्रदायिक हवा झोंक दी जाए। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। पहले की सरकारें तुष्टिकरण में ही इतना व्यस्त रही कि देशवासियों के संतुष्टिकरण पर उनका ध्यान ही नहीं गया। वे वोट बैंक के तुष्टिकरण में जुटे हुए थे, हम देशवासियों के संतुष्टिकरण में समर्पित है। पहले की सरकारों में एक और बात पर बड़ा जोर रहा, वो देश के एक ही परिवार को देश का प्रथम परिवार मानती रही, देश के गरीब परिवार, देश के मध्यम वर्गीय परिवार, उन्हें तो उन्होंने अपने हाल पर ही छोड़ दिया था। मैं पूछना चाहता हूं ना, आप किस तरह का तुष्टिकरण कर रहे हैं? आप तुष्टिकरण कर रहे हैं उन नेताओं का जो दंगाई बयान देते हैं, जो भड़काऊ बयान देते हैं, बार बार देते हैं, लगातार देते हैं। आप किसका तुष्टिकरण कर रहे हैं, बताइए? सबसे बड़ी बात, आप देश के गृहमंत्री हैं, देश के राजधानी दिल्ली में इतने बड़े दंगे हो गए, आपकी कोई जवाबदेही नहीं तय हुई। कश्मीर से कश्मीरी पंडित पलायन करने लगे, आज भी वो धरना दे रहे हैं, आपकी कोई जवाबदेही तय नहीं हुई। आप उन कश्मीरी पंडितों से मिलने तक नहीं गए, और आप बात करते हैं दंगाइयों को उल्टा लटकाने का। ये प्रश्न है, इनके जवाब दिए जाने बेहद जरूरी है। अमित जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं। आप जबकि कहते हैं कि हम दंगाइयों को उल्टा लटका देंगे, बिहार के चुनाव होने वाले होते हैं और बिल्किस गुनाह के 11 गुनाहगारों को रिहा कर दिया जाता है, मिठाइयों और माला पहनाकर उनका स्वागत किया जाता है। और इन पर आरोप क्या थे? बिल्किस बानो के परिवार के कई सदस्यों को मौत के घाट उतारने का, बिल्किस बानो की 5 साल की मासूम बच्ची का सिर जमीन पर पटक के मारकर उसकी हत्या करने का, यह आरोप थे इन 11 लोगों पर। और बात वहां नहीं रुकी, इस तस्वीर को देखिए। उनमें से एक आरोपी शैलेश भट्ट भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद और लीमखेड़ा से विधायक के साथ दिखाई दे रहा है। अमित जी, जब आप कहते हैं कि हम दंगाइयों को उल्टा लटका देंगे, आप तो दंगाइयों को सम्मानित कर रहे हैं। इन सवालों का क्या जवाब है आपके पास, बताइए? बार बार इसी तरह की हरकतें होती हैं, इंसानियत शर्मसार होती है। मैं जानता हूं आपको लगता है ये तमाम हरकतें करके आपको वोट्स मिल जाएंगी, मगर क्या आपको अंदाजा है कि आप इस देश के सांप्रदायिक ताने बाने का कितना नुकसान कर रहे हैं, कितना नुकसान कर रहे हैं, कितने शर्म की बात है। बहरहाल दोस्तों, मैंने अनुराग ठाकुर की बात की, अनुराग ठाकुर ने क्या कहा है बिहार के ऊपर, मैं आपको बताता हूं, फिर इसका पलट जवाब जो है क्या दिया है RJD ने। अनुराग ठाकुर कहते हैं, बिहार में फिर जंगल राज आ गया है, पहले लालू के दौर में आया, अब तेजस्वी और नीतीश कुमार के दौर में आ गया है। RJD क्या कह रहा है? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर क्या यह कहना चाहते हैं कि वडोदरा में रामनवमी में दंगों की वजह से गुजरात में भाजपा यानी नरेंद्र मोदी का जंगल राज है? बोलिए, आपके खुद के भाषणों के बाद दिल्ली में दंगे हो गए थे, आप क्या ही बताएंगे? इस सवाल का कोई जवाब नहीं अनुराग ठाकुर या देश के सम्मानित गृह मंत्री अमित शाह के पास, और यह हकीकत है।
यह हकीकत है कि जिन राज्यों में चुनाव होता है, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती है या जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष होती है, वहां अचानक सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने लगता है। वहां अचानक मीडिया जो है वो दंगाई लोगों का साथ देने लगता है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, रामनवमी के दंगे आज से नहीं हो रहे हैं, कई सालों से हो रहे हैं, मेरे पैदा होने से पहले हो रहे हैं। मगर पहले जो मीडिया होता था ना, वो तटस्थ रहता था, दंगे की खबरों को भड़काता नहीं था, आगे नहीं बढ़ाता था। अब क्या हो गया है कि मीडिया ही दंगाई बन गया है। मीडिया जो है वो दंगे की खबरों को भड़का रहा है। हकीकत यह है दोस्तों, और यही हकीकत है। बहरहाल, कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि क्या तेजस्वी यादव और ममता बैनर्जी जिस तरह से सांप्रदायिक माहौल बिगड़ रहा है उससे बच सकते हैं? क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इससे बच सकते हैं? सबसे पहले मैं तेजस्वी यादव और ममता बैनर्जी दोनों से पूछना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि रामनवमी में हालात बिगड़ते हैं। आप खुद कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जाति सत्ता के डर से वहां पर दंगे करा रही है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने दोनों समुदाय के नेताओं को साथ बिठाकर उनसे मंत्रणाएं की, जबकि एक इतिहास रहा है रामनवमी का? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह किया गया? रामनवमी की यात्रा जहां जहां से गुजर रही थी, क्या उस जगह को चाक चौबंद किया गया? यह जिम्मेदारी तो राज्य सरकार की है ना, तो तेजस्वी यादव इससे कैसे बच सकते हैं? ममता बनर्जी इससे कैसे बच सकती हैं? आपको पता होना चाहिए, आप जो भी बयान देंगे, यह मीडिया उसे ट्विस्ट करके उसे अलग ढंग से पेश करेगा। रामनवमी से पहले ही जो संवेदनशील इलाके हैं, आपको ब्यूरोक्रेट्स को बुलाकर, राजनेताओं को बुलाकर, सभी को साथ बिठाकर उनसे मंत्रणाएं करनी चाहिए। स्थानीय बजरंग दल के नेताओं को भी बुलाइए, भाजपा के नेताओं को भी बुलाइए, उनसे भी मशवरा कीजिए। सिर्फ अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी पर उंगली उठाने से बात नहीं बन जाती है। और यही सवाल मैं महाराष्ट्र की सरकार से पूछना चाहता हूं, आखिर क्या वजह है कि जैसे उद्धव ठाकरे की सरकार जाती है वहां पर सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने लगता है? क्या आपको यह डर है कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं उसमें उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी की तिकड़ी आपको मात दे देगी? क्या यही वजह है कि आप महाराष्ट्र के अंदर सांप्रदायिक माहौल को बिगड़ने का मौका दे रहे हैं? ये सवाल है हुजूर, इनसे बचा नहीं जा सकता। और इस मंच पर, न्यूज चक्र पर, मैं ये सवाल लगातार पूछता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।